हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता माहेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों, आज हम आपके ईवीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हमारा लेसन 8 स्टार्ट हो रहा है, दैट इज आवर क्लोथ्स। ठीक है, पहले हम चैप्टर रीड करते हैं इसको। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडीज। हम क्लोथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, है ना। अपनी बॉडी को कवर करते हैं ना हम क्लोथ के जरिए। वी लुक स्मार्ट इन क्लोथ्स। हम कपड़ों में बहुत स्मार्ट लगते हैं। अगर हम अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहनते हैं तो लुक वाइज भी हम बहुत स्मार्ट लगते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। क्लोथ हमें प्रोटेक्ट, मतलब हमारे प्रोटेक्ट क्या कहते हैं, हमारा बचाव करते हैं किन चीजों से। सन हीट, कोल्ड वेव्स, रेन। सन हीट क्या होती है बच्चों? जो सूरज की किरणें होती हैं, हीट होती है ना बहुत ज्यादा, ठीक है, तो सन हीट से भी बचाते हैं हमें। कोल्ड वेव्स, ठंडी हवाएं, रेन, इन तीनों से ही क्लोथ्स हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम समर में किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट, वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। विंटर में किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं हम? वूलन क्लोथ्स। हर सीजन में हमारे क्लोथ्स भी चेंज हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है समर में हम वूलन क्लोथ्स पहनेंगे। वूलन क्लोथ्स क्या होते हैं? जैसे स्वेटर है, कैप है, सॉक्स है, ऐसा तो नहीं है हम समर में भी पहन के रखते हैं हमेशा, नहीं ना। तो सीजन के अकॉर्डिंग हमारे क्लोथ्स भी चेंज हो जाते हैं। तो विंटर में किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं हम? वूलन क्लोथ्स। वी पुट ऑन रेनकोट्स एंड यूज अम्ब्रेलास व्हेन इट रेन्स। हम रेनकोट पहनते हैं एंड अम्ब्रेला यूज करते हैं कब? जब रेन आती है। जब रेन आएगी तो हम दो चीजें यूज करते हैं, रेनकोट पहनते हैं और अम्ब्रेला का यूज करते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो वियर फाइन एंड कलरफुल क्लोथ ऑन फेस्टिवल्स, बर्थडे एंड ऑन स्पेशल ओकेजन। हम साफ, सुंदर और कलरफुल, मतलब बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं कब? फेस्टिवल, अलग अलग त्योहारों पर, बर्थडे पर, जन्मदिन पर, या किसी स्पेशल ओकेजन पर, किसी की शादी है, किसी की पार्टी है तो वहां जाना है तो हम कलरफुल क्लोथ्स यूज करते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, वी गो टू स्कूल इन आवर स्कूल यूनिफॉर्म। अब देखो, स्कूल जाने के लिए भी हमारे एक अलग टाइप के क्लोथ से क्या होती है? वो स्कूल यूनिफॉर्म। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं इन आवर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म में ऐसा तो नहीं है कि यूनिफॉर्म नहीं होगी, हम स्कूल में कोई भी कपड़े पहन कर जाएंगे, तो हर जगह के लिए एक अलग टाइप के क्लोथ बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आप कलरफुल क्लोथ पहनोगे, बर्थडे में जा रहे हो तो भी कलरफुल क्लोथ पहनोगे, स्कूल जा रहे हो तो आप स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनोगे। वी शुड वी आर क्लीन क्लोथ्स। हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। डर्टी क्लोथ्स गिव अस एन अनप्लीजेंट लुक एंड मे मेक अस इल। जो डर्टी माने क्या होता है? गंदे कपड़े जो होते हैं वो हमें एक तो लुक वाइज भी बहुत अजीब सा दिखाते हैं, मतलब अच्छे नहीं लगते हम अगर गंदे कपड़े पहनेंगे, चाहे पुराने कपड़े हो हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर साफ कपड़े हो तो हम लुक वाइज स्मार्ट लगते हैं, लेकिन गंदे कपड़े से हम देखने में भी अच्छे नहीं लगते एंड मेक अस इल, और वह हमें बीमार भी कर सकते हैं। अब देखो, आजकल देखो, आप देख रहे हो ये महामारी चल रही है, इसमें हम कितनी साफ सफाई का अपना ध्यान रखते हैं। हम कहीं बाहर से आते हैं तो अपने हैंड वॉश करते हैं, अपने क्लोथ सब धोकर डालते हैं, ठीक है ना, क्यों? ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें। तो गंदगी तो हमें वैसे भी दूर अवॉइड करनी चाहिए, हमें हमेशा सफाई से रहना चाहिए। चलिए देखो, इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लो। अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, उसी के ये पॉइंट्स हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। क्लोथ्स कवर अवर बॉडीज, वी लुक स्मार्ट इन क्लोथ्स, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, वी पुट ऑन रेन कोट्स एंड यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स, वी गो टू स्कूल इन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए, यही चीजें हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ी है। तो आज हमारा ये चैप्टर रीड कंप्लीट हो गया।
आप भी इसको रीड करेंगे, अच्छी से इसको समझेंगे, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ, जब तक आप ये चैप्टर पढ़कर समझ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।